ओके, आइए इसी बात हम लोग वजन का जाएंगे। कल कुछ कारण से बहुत से थोड़ा काम भी हो रहा, उधर उधर जाना पड़ रहा है। कल का आपका संग साहब सोलोमन का स्टडी दे नहीं पाया, उसके बदला में अभिषेक स्टडी दिया। हम चाह रहे हैं ये संग साहब सोलोमन का स्टडी, वो तो कितना हफ्ता से चल रहा है, कितना महीना से चल रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 9 वचन हुआ है। लेकिन कितना हफ्ता से चल रहा था? 14-15 हफ्ता से चल रहा था, 14 या 15 हफ्ता से चल रहा था, लेकिन कितना वचन खत्म हुआ? केवल 9 वचन खत्म हुआ। इसलिए हम चाहते हैं थोड़ा रविवार शनिवार को भी हम साक्षम सोलोमन को वो लगातार करें, ताकि इसको जल्दी खत्म कर दें। हालेलुया। आइए इसी वक्त साक्षम सोलोमन उसका 1:10-11 पढ़ेंगे। तेरे गाल केशों की लटों के बीच क्या ही सुंदर है, और तेरा कंठ हीरों की लड़ियों के बीच। और 11 भी, हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। प्रेतनाथ, एक मिनट हम अपने आंखों को बंद करके आत्मा के प्रभु से बोलेंगे, खुदावंद आज मेरा आत्मा का मन्ना आज इसी वचन के द्वारा मैं देने के लिए विनती करते हैं। पप्पा पवित्र आत्मा में सहना करने के लिए विनती करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर अभी तक दुल्हन दूल्हा को तारीफ कर रहा था, अभी दूल्हा दुल्हन को तारीफ कर रहा, ताकि यह संसार सोलोमन 3 कैरेक्टर है जो लगातार देख रहा है, उन लोगों को ठीक समझ में आएगा। ऑलरेडी 14 मेरे ख्याल में 14 पार्ट खत्म हो गया ना, 14 पार्ट खत्म हो गए, 15वां पार्ट है। आप हमारा यूट्यूब में है पास्टर पॉल असनसोल, उसी में आप साक्षात सोलोमन का बाकी 14 पार्ट आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं, दूल्हा और दुल्हन और शैली, मतलब सुलेमान शांति का राजा यीशु का दृष्टांत देता है, सुलमिति उनका दुल्हन का दृष्टांत देता है, और जैसलम का पुत्रिया वो है जो कलीसिया का नॉर्मल विश्वास का दृष्टांत देता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दुल्हन को देखकर अभी दूल्हा ऐसा तारीफ कर रहा है, तेरे खाल तो बालों के लटों के बीच में क्या ही सुंदर है। और 11 वचन में लिखा है, पढ़ेगा, हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। सोने के आभूषण बनाएंगे, यहाँ पर आपका चेहरा का और क्या बोलते हैं गर्दन का गला का उसको वर्णन कर रहा है। इंग्लिश में पढ़ेगा, Your cheeks are lovely with ornaments. Your neck with chains of gold. यहाँ पर आपका चिन्ह किसके साथ तुलना कर रहा है? ऑर्नामेंट्स के साथ तुलना कर रहा है। हिंदी में इतना अच्छा ट्रांसलेट नहीं है, दोबारा पढ़ेगा, Your cheeks are lovely with ornaments. Your necks with chains of gold. Your neck is chains of gold, with the chains of gold. We will make you ornaments of gold. We will make you ornaments of gold. With studs of silver. With studs of silver. Okay. इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आज एक संग साहब सोलोमन को पढ़ने के लिए दिमाग को थोड़ा खोल कर साइड में रखकर विश्वास से भरा हुआ दिल से पढ़ना है, तब समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर पूरा लव स्टोरी है, ये लव स्टोरी इसी का है, दूल्हा प्रभु यीशु मसीह और दुल्हन उनका कलीसिया का बीच में का एक पवित्र का आंतरिक मेल मिलाप उनका बारे में लिखा है। इसे तो पॉल बता रहा है, इसका भेद बहुत बड़ा है, मैं मसीह और कलीसिया का बीच में का रिश्ता का बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी बातें ये 8 अध्याय वो पूरा फिजिकली लिटरली नहीं लेना है, स्पिरिचुअली लेना है। यहाँ पर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स से उसके गाल क्या हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, उसके नेक बहुत सुंदर लग रहा है, चेहरा चीक क्या बोलते गाल चमक रहा है। लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर क्या क्या करके अपना गाल चमकाने के लिए
करता है। कुछ लोग भय मतलब से बिगड़ा जाता है, क्या क्या कोशिश करता है, क्या क्या कोशिश करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया का इस चमड़ा का सुंदरता और रंग को देखने वाला नहीं है। यहां पर आपके आत्मिक के एक सुंदरता और आत्मिक के अलंकार को प्रभु यीशु मसीह चाहता है। यहां पर का चेहरा में यहां पर ऑर्नमेंट्स के बारे में बता रहा, जो दुलीन पहना हुआ है। यहां पर दुलीन केवल स्त्री नहीं है, यीशु मसीह का दुलीन स्त्री प्लस पुरुष सब मिला के। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज लॉर्ड। कलीसिया का कितना भी पुरुष है, कलीसिया का कितना भी स्त्री है, सब मिलाकर प्रभु यीशु मसीह का दुलीन है। तो यहां पर ये लिटरली ऑर्नामेंट्स, जो सोना का चांदी का ऑर्नामेंट्स के बारे में नहीं लिखा, आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। ऐसे नबी का किताब उसका 61 का 10 में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण महान रहेगा, क्योंकि उसके जहां पर उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाई और धर्म के चादर ऐसा उड़ा दिया है जैसा दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हीन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर उदार के वस्त्र और धर्म की छात्र इसलिए दिया जा रहा है, किसका बदला में? जैसा दूल्हा फूल माला पहनता है, जैसा दुल्हन जो ऑर्नामेंट्स पहनता है, उसी का बराबर में। इसका मतलब है आज हम लोग फिजिकली सोना चांदी का ऑर्नामेंट्स पहनने का जरूरत नहीं है, उसके जगह पर प्रभु क्या करता है, उदार के वस्त्र को पहनता है, धार्मिक छात्र से ओढ़ देता है, आत्मिक अलंकार से हमें भरपूरी करता है। यहाँ पर दूल्हा माला पहनता करके हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है, वहाँ पर वो फूल माला का बारे में नहीं लिखा। पढ़ेगा यशायाह 61 का 10। I will greatly rejoice in the Lord. My soul, यहाँ पर लिखा आत्मा, यहाँ पर शरीर का बारे में कोई बातचीत नहीं है। आप ध्यान दीजिए, शरीर का बारे में चिंता भूल जाइए, यहाँ का सारी बात आत्मा के बारे में लिखा गया है। वहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट में लिखा सोल। My soul shall be joyful in my Lord. प्रभु में मेरा आत्मा अति आनंदित हो जाता है। For he has clothed me, क्योंकि वो ही has clothed me with the garments of salvation, garments of salvation, उद्धार के वस्त्र से वो मुझे घेरता है। He has covered me, he covered me with the robe of righteousness, righteousness, धार्मिक का छात्र से ओढ़ दिया है। As a bridegroom decks himself, ध्यान दीजिएगा, ब्राइडग्रूम मतलब क्या है? दूल्हा, ब्राइडग्रूम decks himself with ornaments, वहां पर फूल माला नहीं लिखा। हालेलुया, हिंदी में फूल माला लिखा है, लेकिन मूल्य भाषा में फूल माला नहीं लिखा। ध्यान दीजिएगा, ये फूल माला पहनने का सिस्टम सिर्फ हिंदू लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। हालेलुया, ये फूल माला वन टाइप ऑफ द वर्शिप, आइडल वर्शिप। फूल माला पहनाना एक किस्म का विक्र आराधना को दृष्टांत आता है। ध्यान दीजिएगा, जब पौलुस को प्रेरित का काम उसका 14:13-15 तक पढ़ेंगे, जब वहां पर पौल और सीला एक लंगड़ा को क्या करते, मां की गोद से लंगड़ा था,
उसको यीशु के नाम से प्रार्थना करके खड़ा कर दिया। तब वहां के लोग पौल और सीला को यह सोचा, देवदा लोग मनु समाधान लेकर हमारा बीच में आ गया। तब उनको क्या कर दिया, फूल माला चढ़ाने के लिए कोशिश किया। तब पौल क्या कर दिया, अपना कपड़ा को फाड़ कर, अरे ऐसा हम लोग को मत कर, हम लोग देवता नहीं है, हम लोग इंसान हैं, केवल जीवित परमेश्वर का आराधना करना है। थाली पे जाकर प्रभु का नाम को महिमा पड़ेगा मिला तो ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। लोगों के साथ किसको, पौल और सीला को। ऊपर से घर में पढ़ कर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। पौलुस को और सीलास को फूल माला चढ़ाकर आराधना करना चाह रहा था। परंतु बर्नबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगा हे लोगो तुम क्या करते हो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार सिर्फ सुनाने के लिए हम आए हैं कि तुम इन वैध वस्तुओं से अलग होकर सारी इसी तरह का आइडल वर्शिप, इंसान का वर्शिप को हलक पके जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। ताली बजाकर जोर से जीवित परमेश्वर की ओर फिर ध्यान दीजिएगा। ये फूल माला चढ़ाना वन टाइप ऑफ द आइडल वर्शिप है। आज इंडिया में देखते हैं हर गुरु, हर ठाकुर, हर बाबा, हर अवतार क्या करता है, फूल माला पहनकर ही क्या करता है, टीवी में उपदेश देता है। ये एक किस्म का आधा वर्शिप को दृष्टांत होता है। इंसान इंसान को वर्शिप नहीं करना, इंसान परमेश्वर को वर्शिप करना है। आमीन। आराधना इंसान इंसान को आराधना नहीं करना। ध्यान दीजिए, इंसान सब इंसान है। कितना बड़ा बाबा क्यों ना हो, इतना बड़ा गुरु क्यों ना हो, कितना बड़ा अवतार क्यों ना हो, कितना बड़ा साधु सन्यासी क्यों ना हो, सब लोग क्या है, इंसान। इंसान इंसान को पूजा नहीं करना। कितना लोग हैं, इंसान लोग बाबा का पैर में चूके प्रणाम करता है, बाबा लोग को दंडवत करता है। इंसान है, इंसान इंसान को पूजा नहीं करना। जो भी बाबा एक दिन मर जाएगा, 6 घंटे में बदबू लग जाएगा, 6 दिन में कीड़ा लग जाएगा, खत्म हो जाएगा उनका जिंदगी। लेकिन परमेश्वर जिसका कभी मौत नहीं है, हालेलुया। इसलिए हम ऐसा अवतार प्रभु यीशु मसीह का अवतार को हम मानते हैं ताकि मर के तीसरा दिन अपना शरीर में जिंदा होकर आ गया, उनका कब्रस्थान आज तक बंद है। ताली बजा के प्रभु का जोर दान ऐसा, हालेलुया। इसीलिए हमारा जो शादी विभाग होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं, शादी विभाग में भी माला पहनने के लगता, इतना अच्छा सा कोट सूट गाउन सारी पहन कर इतना अच्छा सा फोटो लेते हैं, शादी विवाह होते हैं, उसके बाद देखे क्या कर देते हैं, आपस में माला पहनवा कर भी फोटो फैलाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो तुम क्रिश्चियन बनकर रहो, नहीं तो तुम हिंदू बनकर रहो, दोनों के बीच में इजड़ा बनकर मत रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। या तो पूरा तो क्रिश्चियन बनो, नहीं तो तुम पूरा हिंदू बनकर रहो। आज तुम आत्मिक जिंदगी में आने के बाद बाइबल को लिखा है, जब पौल और बर्नबास क्या कर दिया, बोला माला चढ़ाने के लाया, चढ़ा भी नहीं, चढ़ाने के लाया तो कपड़ा फाड़ कर क्या कर दिया, अरे इसी तरह मूर्ख का मत कर, इंसान को माला पहनाने का काम मत कर, जीवित परमेश्वर की आराधना कर। थाली में जाकर प्रभु का नाम महिमा कर। यहाँ पर हम वापस आएंगे तो ऐसे नबी का किताब उसके 61:10 में भी फूल माला चढ़ाने के बारे में नहीं लिखा। जब हिंदू ट्रांसलेट को, जब हिंदू के लोग जो ट्रांसलेट किया, इसलिए वहाँ पर फूल माला बोल दिया, हालेलुया। इसीलिए वहाँ पर फूल माला नहीं है, क्या है, सोने का ऑर्नामेंट्स को लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह दूल्हा ऑर्नामेंट्स पहनने का बदला में
दुलीन अपने आप को ऑर्नामेंट से सिंगार करने का बदला में प्रभु क्या कर दिया, आपका उदार की वस्त्र से और धर्म की छादर से होकर आत्मिक दृष्टि से आपको अलंकार करना चाहते हैं। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु का नाम को महिमा करें। यहाँ पर देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन के बारे में यह दृष्टांत कर रहा है। आज एक आत्मिक जिंदगी में हमारा ऑर्नामेंट क्या मन में, ऑर्नामेंट मन क्या है हिंदी में, गहना, जो जो गहना पहनते हैं कुछ खान में, नाक में, गला में, अंगली में, जहां जहां है वो गहना पहनता है। आत्मिक जिंदगी में प्रभु पहनवाना गहना वो क्या है, आत्मा के अभिषेक, आत्मा की सामर्थ्य, आत्मा का वरदान, आत्मिक स्वभाव, ये है हमारा ऑर्नामेंट्स बनना है। ये सुंदरदाई मेरा दूल्हा देखना चाहते हैं, आप कितना किलो सोना पहना है वो प्रभु देखना नहीं चाहते हैं। आप जहां जहां सुराख डाल के जहां जहां सोना पहनना चाहते उसका मेरा यीशु मसीह देखना नहीं चाहते। चाहे दुनिया के लोग देखेंगे, दुनिया के लोग आपकी तारीफ करेंगे, दुनिया के लोग आपका सुंदरता से अलंकार से ठोकर खाएंगे, लेकिन प्रभु जानता है आत्मिक अलंकार आपके जिंदगी में प्रभु खुद ही आपको पहनाना चाहते हैं। वहां पर बाइबल में लिखा है प्रभु क्या करता है, प्रभु आपको पहनाना चाहते हैं। आप खुद ही सोना चांदी को पहनाने के लिए बाइबल नहीं बोलता है, बाइबल क्या बोलता है, अपना दुल्हन को वो खुद पहनाएगा। हालेलुया, ऑर्नामेंट्स कौन पहनाना है, आपको प्रभु ऑर्नामेंट्स पहनाना है या आप खुद पहनना है, क्या कौन पहनना है, कितना बोलते हैं प्रभु बोलते हैं, अच्छा साथ उठा के कल करेंगे। हालेलुया, कुछ लोग फिर भी हाथ नहीं उठाते, बोलो सोचता है अरे हमारे पास मोटा पैसा है हम खुद ही क्या करेंगे, सोना चांदी पहनवा देंगे। देखिए आज इसके विषय में थोड़ा सा वजन क्या बताते हैं, वचन क्या जानेंगे, ये सोना का ऑर्नामेंट से क्या क्या चीजों को दृष्टांत आता है, सोना का ऑर्नामेंट से क्या क्या चीजों को दृष्टांत आता है। निर्गमन का किताब उसका 34 का 29, 30 और 33। जब मूसा साक्षी के दोनों तख्ते हाथ में लिए हुए, ध्यान दीजिए ये घटना आप सबको जानते हैं, जब मूसा 40 दिन पहाड़ में चढ़कर प्रभु के साथ बात करके अभी प्रभु का आश्रय लिखा हुआ 10 कलाम का दोनों स्लेट अपना हाथ में लेकर उतर रहा है, हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, यहोवा के साथ वो बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही, उसका चेहरे से किरणें निकल रहे, क्या है किरणें, किरणें निकल रहा, किरणें मतलब क्या है, लहर निकल रहा है, जैसा सूरज का लहर आ रहा है वैसा उसके चेहरा से लहर आ रहा है। आप हीरा का ये नथनी पहन लिया करके आपका चेहरा आपका किरण नहीं आता है, कान में बहुत कीमती पत्थर पहन लिया किरण नहीं आता है, क्यों है, उनका चेहरे बारे में बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के साथ 40 दिन उपवास करके बात करने के कारण उनका चेहरा से क्या निकल रहा है, किरणें निकल। हालेलुया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आमीन, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु की महिमा से, प्रभु का उपस्थिति से, प्रभु का अभिषेक से हमारा चेहरा से क्या करना है, किरणें निकलना है। हालेलुया, हमारा चेहरा संसार की बातों से चमक के नहीं रहना है, हमारा इसी तरह चीजों से चमका के एक दिखावा जिंदगी जीने वाला दुल्हन नहीं बनेगा। दुल्हन का अनुभव देखिए, मूसा का चेहरा से क्या आ रहा है, किरणी आ रहा है, और परंतु वो यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। मूसा खुद नहीं जानता, यही अनुभव है, हम अपना बारे में चिंता नहीं करना, अपना चेहरा का चिंता मेरा दुल्हा करेगा। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया, मेरा चेहरा का चिंता कौन करेगा, अभी सोचिए मैं मेरा पत्नी के साथ जा रहे हैं तो मेरा मंत्री पत्नी का मुंह पर कोई 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 गंदा लग गया, दाग लग गया, वो खुद जान सकता नहीं, जान सकता, लेकिन मैं जब देखते हैं तो क्या करेगा, चलो बेचारा ऐसे ही आने दो पागल की तरह ऐसा लेकर जाएंगे, नहीं ए, रुको रुको रुको, तुरंत क्या करेंगे, पूरा पहुँचा देंगे, पूरा क्या करेंगे, नहीं पहुँचाएंगे, पहुँचाएंगे नहीं पहुँचाएगा, आप लोग पति पहुँचाएंगे नहीं पहुँचाएगा,
वैसाई आपका चेहरा को साफ सुथरा करके और निकालने के लिए जैसा अपना पति कोशिश करता वैसा मेरा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह अपना दुल्हन का चेहरा को वो खुद ही चमकाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी से प्रभु की महिमा से, प्रभु के अभिषेक से, प्रभु का उपस्थिति से, आत्मा के फलों से, वरदान से, सामर्थ से, जब प्रभु से बात कर कराया उसके चेहरा से किरण निकल रहा था, वो खुद ही नहीं चमता, नहीं जानता। हाँ पढ़ेगा। जब हारून और सब इसराइलियों ने मूसा को देखा, सारे इसराइल ने हारून ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल, उसका चेहरा से किरणें निकल रहे हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। वो उसके पास जाने से डर गया। बाद में पढ़कर देख लीजिएगा चेहरा भी, 33 भी क्या कर दिया उसका मुंह में, वो लोग विनती किया था कि आपका मुंह में कोई कपड़ा डाल दीजिए, आपका चेहरा देखने में आपको तकलीफ हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है प्रभु आपको देने वाला ऑर्नामेंट से, आपके जीवन में देने वाला ऑर्नामेंट से। आपके चेहरा को देखकर लोग क्या करना है, एक पवित्र भय होना है, आपसे बात करने के लिए पागलों का दिल में ढंग होना है, आपका देखकर और दो लोगों के जीवन में ये सोच विचार आना है ये सच में परमेश्वर का दास है। इसी तरह के एक महिमा को प्रभु रखना चाहते हैं। यही चीज स्टेफन उसके जीवन में भी देख सकते हैं। प्रेत का काम उसका 6 का 15 में देखते हैं, जब सब उनका विरोध में, स्टेफन उसके विरोध में, प्रभु का दास का विरोध में झूठा इंजाम लगा कर उन पर पथरवा कर रहा था, तो भी स्टेफन उसका चेहरा कैसा चमक रहा है, स्वर्ग दूत का जैसा उनका चेहरा चमक रहा है। पढ़ेगा। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि कड़ाई, जब स्टेफन उस पर दृष्टि कड़ाई तो उसका मुख स्वर्ग दूतों का सा देखा। जोरदार थाली बजा के नीचे वालों की जोरदार थाली बजा के उसका मुंह स्वर्ग दूतों की चेहरा चमका। वो कौन सा सोना पहना हुआ था, कौन सा चांदी पहना हुआ था, कौन सा हीरा पहना हुआ था? प्रिय भाई प्रिय बहन, आपका चेहरा का चमकाने का, सुंदर करवाने का काम प्रभु करना चाहते हैं। ये है आत्मिक के अलंकार। दानियल के बारे में देखते हैं, जब वो राजा का दाक मधुसूदन का काना से अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाह रहा था, तब देखा उनका मुंह क्या है, बाकी जवानों से भी बहुत चमक आ गया, बहुत चमक आ गया है। फ्रेंड्स मिला तो पड़ेगा। उस दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से, दानियल का चेहरा राजा का भोजन खाने वाला सब जवानों से भी अधिक अच्छे और चमकने दिखाई दिए, और चमकने दिखाई दिए। जोरदार थाली बजा के, जोरदार ये थाली नहीं, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, ब्यूटी पार्लर का चमक के पीछे मत जाइए तो प्रभु दुखी हो जाएगा। आपको किसको प्रसन्न करना, दुनिया का लड़का लड़की लोगों को प्रसन्न करना या प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना? किसको आपको प्रसन्न करना, किसका सामने तेरा चेहरा दिखाना चाहते हैं? दुनिया के लड़का लोगों के साथ या दुनिया के लोगों को ठोकर खिलाने के लिए आप अपना चेहरा को, अपने घाव को चमकाना चाहते हैं, या जीवित परमेश्वर के सामने आप अपना चेहरा को चमकाना चाहते हैं? प्रेतरा वो आपके चेहरा को चमकाना चाहते हैं। हालेलुया। एक बार कई माँ बोल रहा था मेरा बेटी थोड़ा उधर इधर थोड़ा चमका के घूमेंगे थे ना, कोई लड़का पसंद करके शादी करेगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलो, आपका बेटी का शादी, आपका बेटा का शादी प्रभु नुक्त करके रखा। कौन नुक्त करके रखा? आप कभी चिंता मत कीजिए, कुछ भी हो सही समय पर सब कुछ ठीक ठाक प्रभु करेगा। आमीन। संसार की माँ बाप चिंता करते हैं, हम भी चिंता करते हैं, हम भी हर दिन प्रार्थना करते हैं। हमारा चर्चा का एक विश्वासी बेटा बेटी लोग, जवान लड़का लड़की लोग को शादी विवाह हर दिन हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन समय पर सब कुछ होगा, कितना विश्वास करते हैं। थाली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें, सब कुछ उसी के लिए। आप सात कट मारने का जरूरत नहीं है, आपका
माँ बाप आपके बारे में कितना चिंता करता है उससे भी अधिक गुना ज्यादा प्रभु चिंता करेगा। लेकिन आपके काम क्या है, शॉर्टकट मारना छोड़कर पवित्र दाई के साथ आपका जिंदगी प्रभु के हाथ में समर्पण कर दे। आमीन। प्रभु सब कुछ जुगाड़ करेगा, कितना विश्वास कर दे, प्रभु सब कुछ जुगाड़ करेगा, करेगा नहीं करेगा। आमीन। आपके जिंदगी को पवित्र दाई के साथ प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए, बाकी सब कुछ प्रभु संभालेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो दुल्हन के बारे में प्रभु बरत रहे, गाल कितना चमके। हालेलुया। तेरे गले को मैं क्या करेंगे, ऑर्नामेंट्स पहनेंगे, तुम्हारा कान में गला में ऑर्नामेंट्स पहनेंगे। हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन में किस किस तरीका का ऑर्नामेंट्स है वो हम देख सकते हैं। हालेलुया। क्या ऑर्नामेंट से प्रभु पहनाएगा हम देखते हैं। पहला चीज है आप प्रकाशित सारी सभा उपदेशक उसका 8:1, प्रभु पहला ऑर्नामेंट है आपका चेहरा चमकने के लिए देता है, वो है ज्ञान, द विजडम। पढ़िएगा, बुद्धिमान के तुल्य कौन है, बुद्धिमान का तुल्य कौन है, और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है। मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता, उसका मुख चमकता है। पहला ऑर्नामेंट से प्रभु आप बिल्कुल अनपढ़ क्यों ना हो, आप बिल्कुल मूर्ख क्यों ना हो, आपको प्रभु क्या करता है, प्रभु अपना ज्ञान देके, विजडम देके आपका मुंह को चमकाता है। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। प्रिय भाई प्रिय बहन, हम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम उनसे बहुत टाइम हम पागल खाना में भर्ती था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मुझे प्रभु अपना वचन का ज्ञानी बनाया है। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। ये वचन का ज्ञान आपको क्या करता है, चमका देता है। बुद्धि आपको क्या करता देता है, चमका देता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है वचन संगीता 119:72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों, तेरे दिए हुए व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। क्या है, मोहरों से भी उत्तम, मोहरों से भी उत्तम है। ध्यान दीजिएगा, आपका दिया हुआ वचन पैसा से भी सोना से भी बहुमूल्य है। कितना लोग विश्वास करते हैं, थाली बजा कर प्रभु का नाम का महिमा करें। दिन भर कर पैसा के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर बाइबल को नहीं पढ़ते। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, चर्च माते खाली हाथ आते हैं, बाइबल पढ़ता नहीं, बाइबल पढ़ने का ध्यान नहीं देते। आप बाइबल पढ़ना शुरू करेगा, ऑटोमेटिक आपका लिखना पढ़ना आ ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके लिए कोशिश नहीं करता है, वो क्या है, आपका वचन का ज्ञान आपका दिमाग में वो आता है, वो प्रभु देने वाला एक ऑर्नामेंट से। बाइबल को पढ़िए, कम से कम नया नियम को, कम से कम नया नियम को बार बार पढ़िए। वो बार बार पढ़ के क्या करिए, उससे अपने जिंदगी को संवार दीजिएगा, आपको चमका दीजिएगा। प्रभु उसका द्वारा आपको ऑर्नामेंट से देना चाहते हैं। और एक वचन लेकर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जो नीति वचन उसका 1:8-9 को। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपना पिता की शिक्षा पर कान लगा, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, अपना माता का शिक्षा को ना तज, ना कल्ज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामय मुकुट, वो तेरा सिर के लिए शोभामय मुकुट, और तेरे गले के लिए कंठ माला है, तेरा गले के लिए कंठ माला है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा है क्या है, तेरा गले के लिए कंठ माला है, ग्रेसफुल ऑर्नामेंट से करके इंग्लिश में आया है। चाहे नीति वचन उसका 1:8 में ग्रेसफुल ऑर्नामेंट्स, फॉर दे विल बी अ ग्रेसफुल ऑर्नामेंट ऑन योर हेड, ग्रेटफुल ऑर्नामेंट्स ऑफ योर हेड, ग्रेसफुल मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह से भरा हुआ एक अलंकार। ये संसार के अलंकार के पीछे मत जाइए, ये ग्रेसफुल अलंकार प्रभु का अनुग्रह का हमारे लिए एक अलंकार है। हालेलुया। प्रभु का विजडम एक हमारे लिए अलंकार है,
ज्ञान हमारे एक अलंकार है, प्रभु का भय मानना एक अलंकार है। वचन संहिता 19 का 9 का 10 में लिखा है, परमेश्वर का वचन का जानकारी एक अलंकार है। पढ़ेगा, यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, अनंत काल तक स्थिर रहता है। बाकी सारे ऑर्नामेंट, सारे सिंगार बीच बीच में क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, भड़क जाता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा का नियम, यहोवा का नियम व्यवस्था सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, धर्ममय है। और वे तो सोने से भी और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। बहुत बड़ा कुंदन से भी बढ़कर क्या है, मनोहर है। थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। लोग क्या करता है, ये संसार में दिखा हुआ सोना चांदी अन्य प्रभु अलंकार से और अपना अपना श्रृंगार करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना दुल्हन कैसा कैसा श्रृंगार करना है, अपना ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से, वचन की जानकारी से। हालेलुया। इसी तरह क्या करना है, अपना आपको ऑर्नामेंट से पहनना है, अपना जिंदगी को चमकना है, परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास करके बैठ के अपना चेहरा को किरने लगवाना है, चमकाना है। हालेलुया। आप क्रीम लगाए ना लगाए उसे कोई मतलब नहीं रहता है। आपका चेहरा यीशु देखते समय आपका चेहरा चमकना है। कितना चाहते हैं, इंसान के सामने मेरा चेहरा चमकना है या यीशु के सामने मेरा चेहरा चमकना है? कितना लोग है यीशु के सामने, कितना लोग है? अच्छा से हल्लेलुया कर सकते हैं, दम नहीं हल्लेलुया कर सकते हैं, हल्लेलुया। और एक चीज आपको क्या करते है? चमकाता है। वचन संहिता 45 का 13 में लिखा है, उसका जो एम्ब्रॉयडिंग वस्त्र, सोना का एम्ब्रॉयडिंग पढ़े। राजकुमारी महल के भीतर अति शोभमान है। राजकुमार कौन है? कद आवाज से बोलिए ना, राजकुमार प्रभु यीशु है। हालेलुया। राजकुमार कौन है? यीशु। नहीं अभी भी दम नहीं, यीशु का नाम बोलने के लिए आपको इतना धक्का लगाना पड़ता है। राजकुमार कौन है? यीशु। अब बाप रे। हालेलुया। तो राजकुमारी कौन है? हालेलुया। राजकुमार कौन है? बोलिए मैं, छाती मात्र के बोलिए मैं। राजकुमारी कौन है? पता नहीं बोल रहा है, थोड़ा उत्साह से बोले ना, हाथ रखे। राजकुमारी कौन है? हम एक दिन राजकुमारी बनके महल में जाएंगे। महल कहाँ है? सियोन में है। मर महल कहाँ है? अभी पढ़िएगा, राजकुमारी महल में अति शोभमान है। राजकुमारी दुल्हन महल में, सियोन में अति शोभमान है। उसके वस्त्र में ये वस्त्र क्या है, जो बाजार में जाकर खरीदा हुआ वस्त्र नहीं है, ये वस्त्र कौन है? उनका उद्धार की वस्त्र। जिस दिन आप बपतिस्मा लिया उसी दिन प्रभु आपके लिए एक उद्धार की वस्त्र देता है। वो वस्त्र में सुनहरे बुट्टे खड़े हुए हैं। इंग्लिश में लिखा है गोल्डन एम्ब्रॉयडिंग। क्या कड़ा है आपके वस्त्र में, क्या कड़ा है? आप एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, दुल्हन बनकर जाएंगे, राजकुमार बनकर जाएंगे, आप अति शोभमान होकर जाएंगे, यीशु का समान आप चमकेगा। तब वहां पर लिखा है आपके वस्त्र में क्या होगा? सोना होगा। कैसा होगा? एम्ब्रॉयडरी क्या होगा? उसका मतलब क्या है? एम्ब्रॉयडरी करने वाला का देखा, या आप से भी एम्ब्रॉयडरी कीजिएगा या मशीन से भी एम्ब्रॉयडरी कीजिएगा, क्या होगा मालूम है? आप वो उसी में बहुत बार क्या करना है, सुई घुसना है, बहुत मशीन में भी करता है, क्या करता होगा वहाँ पर, पूरा सुई घुसता है, पूरा सुराख डाल के क्या करता है, सोना का निकाल के लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड।
हम लोग का शादी विभाग में भी क्या हुआ मालूम है, हम लोग सोना का ही जो एम्ब्रॉयडरी वाला ही डाला है प्रेतराज, वो फट गया है। फटने के बाद उसको बिक्री करने के समय उसी दिन में हमको 200 रुपया मिला उसी दिन में हालेलुया। वो कपड़ा पुराना होने से भी वो सोना का एम्ब्रॉयडरी के लिए क्या है, दाम है। हालेलुया। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, वो दुल्हन एक दिन जाएगा कान में सुराख डाल के नहीं, नाक में सुराख डाल के नहीं, अपना उदार की वस्त्र में अपना जीवन में सुराख डाल के उसमें सोना का एम्ब्रॉयडरी करके जाके दुल्हा के बगल में अति शोभायमान होकर बैठ जाता है। थाली बजा के जोरदार थाली बजा के हालेलुया। इसका मतलब क्या है, उपद्रव को दृष्टांत आता है। अकेला आपको प्रभु किसी तरह की सोना देना चाहते हैं, एक उपद्रव को द्वारा आनंद का आपके जीवन में प्रवेश करने का अनुभव। हालेलुया। कितना चाहते हैं सोना का एम्ब्रॉयडरी वाला वस्त्र चाहिए, अच्छा से आप ऊपर कीजिए, अच्छा से सोना से, जो ये आवाज में जो सुन रहे हैं भी अच्छा से हाथ डालिएगा। हमको सोना का एम्ब्रॉयडरी क्या, सोना वाला एम्ब्रॉयडरी वाला वस्त्र पहनकर यीशु के बगल में बैठना है। हालेलुया। बोलिए मुखल के, हाँ याद रखिए, अब जो मांगा है मिल जाएगा। मतलब क्या, उपद्रव हुए आपके जीवन में क्या आएगा, सुई आएगा, घुसेगा एक केक में घुस घुस के, इतना थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हजार बार घुस घुस के निकलता है। आप कितना उपद्रव पाएंगे प्रभु के लिए, कितना निंदा अपमान और दुख तकलीफ और विपत्ति मुसीबत कष्ट नष्ट और जो भी बीमारी बलगन रोग, ये पूरा एक किस्म का उपद्रव है। उसके क्या करना, खुशी से सहना, क्या करना, आवाज ही नहीं आ रहा, क्या करना, खुशी से सहना, और जोर से खुशी से सहना। थोड़ा शैतान सुन रहे, बागर वाला शैतान, सारी उपद्रव का खुशी से सगना है। हालेलुया। कुटकुटाना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई वस्त्र आता है क्या करना, प्रभु धन्यवाद अभी मेरा वस्त्र में क्या हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी शुरू हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। घर में जाते समय आपका पति लात मारेगा तो क्या करना, प्रभु धन्यवाद मेरा वस्त्र में एम्ब्रॉयडरी शुरू हो गया। हाँ अभी जब आप घर में जाते समय आपका सास आपको क्या करता है, तकलीफ देता है, तो क्या करना, खुशी से प्रभु से बोला, प्रभु धन्यवाद क्योंकि मेरा वस्त्र में एम्ब्रॉयडरी शुरू हो गया है। आपका बहू आपको सताता है तो सास क्या करना है, प्रभु का धन्यवाद देना है क्योंकि मेरा वस्त्र में एम्ब्रॉयडरी शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परिवार में प्रॉब्लम है, बच्चों में प्रॉब्लम है, आपका तकलीफ है, आर्थिक अवस्था में तकलीफ है, आपका ऑफिस में तकलीफ है, बाहर में तकलीफ है, अंदर में तकलीफ है, गांव में विरोध है, तो क्या करना है, डरना नहीं है, प्रभु का ताली बजा कर धन्यवाद देना, प्रभु मेरा वस्त्र में सोने का बुटिया शुरू हो गया। क्या बोलते हैं उसका, सोने का बुट्टी खड़े रेजरा एम्ब्रॉयडरी, मेरा वस्त्र में एम्ब्रॉयडरी शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया नहीं आता, दुख को बोल देंगे, अरे इतना तकलीफ उठा के कान में, और इधर एक उसके ऊपर एक और एक कुछ लोग क्या करता है, अपना यहाँ पर सुराख डाल के देखा आप लोग, हमारे चर्च का भी एक लड़का को देखा यहाँ पर डाकन आता है। हालेलुया। और कुछ लोग कहाँ डालता है, नाभि में सुराख डाल के वहां पर डालता है। कोई प्रोग्राम के लिए कुछ नेट से कुछ फोटो डाउनलोड करने के लिए हम थोड़ा चर्च कर रहा है, तब देख रहा है कोई नाभि में, हालेलुया, नाक में सुराख डाल के करता है। लेकिन प्रभु बोलता है तुम शरीर में जहां जहां सुराख चाहिए मैं ऑलरेडी सुराख डालकर ही भेजा है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। नौ जगह पर सुराख प्रभु डाल के भेज दिया, और ज्यादा सुराख अपने शरीर में डालने के लिए नहीं, कहां पर, आपका उदार की वस्त्र में। ताली बजा के प्रभु के नाम को, ओ धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। और एक है विश्वास। अगला सोना क्या है, प्रभु क्या पहनवाना चाहते हैं, विश्वास। पहला पत्रोस उसका एक का साथ में देख सकते हैं। अगला क्या है, विश्वास को प्रभु क्या करना चाहते हैं, पहनवाना चाहते हैं। पढ़िएगा। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ
ताली बजा के। आपका पका हुआ विश्वास आग में ताया हुआ नासमान सोना से भी बहुमूल्य है। प्रिय भाई बहन, अगला एक सोना, बहुत लोग सोना चाहिए। अगला एक सोना प्रभु क्या देना सोना चाहना चाहते हैं? विश्वास नहीं, पक्का हुआ विश्वास। हालेलुया। क्या विश्वास? पक्का हुआ विश्वास। विश्वास कैसा आता है? परख कर आता है, परख कर आता है। प्रभु चंगा करता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? अच्छा सा हाथ उठाइए। प्रभु चंगा करता है, अच्छा सा हाथ ऊपर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, वो चंगा ऐसा ही नहीं आता है। क्या करना है? आपको विश्वास पकड़ा जाएगा। अभी आप सोचिए, आपका पेट दर्द है तो आप क्या करता है? प्रभु पेट दर्द ठीक हो जाए, प्रार्थना करता है। ठीक नहीं हुआ, जो आशीष वाला तेल फंडी लगाता है, ठीक नहीं हुआ, पास्टर को फोन किया है, ठीक नहीं हुआ, घर वाला डांटना शुरू करता है, अरे थोड़ा दवाई खाना, नहीं नहीं दवाई नहीं खाएंगे, प्रभु चंगा करेगा। तो क्या होता मन में? दर्द और बढ़ता है। क्या करता है? दर्द और बढ़ता है। तो मन में क्या होता है? अभी परखा जाएगा आपका विश्वास। अभी आखिरी तक आप विश्वास में रह रहा है या भड़क जा रहा है? कितना लोग समझ में रहा है? आखिर मर भी जाएंगे, प्रभु चंगा करेगा, आखिर में चंगा मिलेगा, लेकिन वो चंगाई के पीछे और एक चीज प्रभु आपको दे दिया, आपका सोना का बराबर एक परखा हुआ विश्वास। ताली में जाकर प्रभु का नाम महिमा करें। ये है परखा हुआ विश्वास। दवाई का नाम मैं पाप नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब दवाई के ऊपर विश्वास कर रहा एक बार सब छोड़ के प्रभु के ऊपर भी विश्वास कीजिएगा। हालेलुया। लेकिन दवाई का नाम पाप नहीं है। नरक जाने वाला का लिस्ट में दवाई खाने वाला का नाम नहीं आया है। बीमारियों के लिए वही तक जरूरत करके प्रभु ही खुद बोल दिया है, उससे बना। लेकिन आपको परखा हुआ विश्वास, हर चीज में विश्वास कीजिए। हालेलुया। शैतान क्या करता है? आपको भड़काना चाहते। कल भी एक सिस्टर फोन किया है ताकि ओ हमको डाउट लग रहा है प्रभु मुझे प्यार करता कि नहीं। ये शैतान की चलाक है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें प्यार करता नहीं करता? कितना लोग विश्वास करते हैं? ऊर्जा सबसे बोलिए, यीशु मुझे प्यार ही कर रहा था, यीशु मुझे प्यार कर रहा था, जोर से आपके लड़का प्यार करता है, लड़की प्यार करता है, बोले से ऊंचा शब्द में पड़ेगा, यीशु मुझे प्यार करता। हालेलुया। इसको कभी भी बोलिए मत, हर मुसीबत संकट बलगन रोग तकलीफ में ये बोलिए, यीशु मुझे प्यार करता है। वो इंसान नहीं बदलने के लिए, इंसान बदल जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा तो इंसान क्या हो जाता है? भड़क जाता है। लेकिन प्रभु नहीं बदलेगा। तीन बार इनकार किया हुआ पत्रोस को भी प्यार से बुलाकर उसके हाथ में चाबी दे दिया। दिया नहीं दिया? जो उसको चुंबन देकर पकड़वाने के लाया है उसी युदास को भी प्रभु कैसा बोला? दुश्मन बोला? क्या बोला? हे मेरे मित्र बोला। उनका भी पैर धोया, उनका भी आगे। इसी तरह अपना चुंबन देकर पकड़ाने वालों को, हमें तीन बार इनकार करके श्राप देने वालों को भी प्रभु प्यार कर सकता है। और आपको हर हमको प्यार कर सकता है नहीं कर सकता? जो सबने कर सकता नहीं कर सकता? ध्यान दीजिए, आप कभी कुछ गलती कर देते, गलत कर देते, कोई पाप कर देते, लेकिन प्रभु का प्यार पर अविश्वास मत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, आप कभी पाप भी कर लिया है कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का प्यार के ऊपर आप अविश्वास मत कीजिए। उस टाइम भी बोलिए, फिर भी प्रभु मुझे प्यार करता है। आप कितना भी पाप करने के बावजूद भी प्रभु आपको प्यार करता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया। ब्रदर, इसलिए विश्वास, पक्का हुआ विश्वास। अगला प्रभु आपको देने वाला, अपना दुल्हन को देने वाला ऑर्नामेंट क्या है? पक्का हुआ विश्वास। और एक चीज को भी, पहला पत्रोस उसका 1:18 में प्रभु देता है, क्या है? उद्धार। अगला सोना क्या है? अगला सोने का ऑर्नामेंट क्या है? उद्धार, पाप के क्षमा। पड़ेगा क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने, तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा, नाशवान इसी वस्तुओं से, चांदी और सोने नाशवान वस्तु
वास्ते ये नाशवान वस्तुओं से प्रभु आपको उधार नहीं दिया। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना, निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, मसीह का बहुमूल्य लहू से हुआ है। ताली बजा कर प्रभु के नाम की महिमा करें। ये उद्धार और पाप की क्षमा ये नाशवान सोना थे चांदी से आपको नहीं मिला है वृद्धलाल। इसी जहां पर ये सोना के रूप में चांदी के रूप में उद्धार के अनुभव को प्रभु आपके दिया है। ताली बजा के वृद्धलाल ये उद्धार का अनुभव क्या हमारे जीवन में एक ऑर्नमेंट से आपके दिल में एक निश्चित होना चाहिए। आज मैं प्रभु में बना हुआ है, आज मैं मसीह में है, आज मैं प्रभु का साथ है, प्रभु मेरे अंदर में है, आज प्रभु मुझे उद्धार दे दिया, मेरा सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिया। ये एक अलंकार है। कितना लोग ये अलंकार पहना हुआ है? एक दो बस बाकी लोग नहीं। कितना लोग अलंकार? हालेलुया। ये सोना चांदी अलंकार नहीं है। इसलिए अपना दुल्हन को बोल रहा है तेरा चेहरा कितना चमक है, तेरा ऑर्नामेंट कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। ये ऑर्नामेंट आत्मिक ऑर्नामेंट से है। हालेलुया। अगला क्या है? जो आत्मिक ऐश्वर्य धन दौलत मिला तो पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3:17-18। तू कहता है कि तू धनी है, तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी है, घर द्वार है, हर कहा, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे कोई भी वस्तु का चीज का खाना पीना पहनना कोई पैसा का कोई कमी नहीं है, और यह नहीं जानता। लेकिन प्रभु बोलता है तू सांसारिक रीति में बोलता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी घोड़ा है, मेरे पास सोना चांदी है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास बहुत से फिक्स्ड डिपॉजिट है, बैंक बैलेंस है। लेकिन तुम ये नहीं जानता है कि तू अभागा, तू प्रभु के सामने अनंत काल के जीवन के लिए तू अभागा है और तुझ तुच्छ है और कंगाल कंगाल है। तू बैंक बैलेंस रखा लेकिन अनंत काल की महिमा के लिए तू कंगाल है और अंधा, तो अंधा है, कोई विजन नहीं है, प्रभु का दर्शन नहीं है, अंधा है और नंगा है, नंगा है। उदार की वस्त्र एक दिन पहना हुआ था, अभी क्या हो गया? सैतान सारे उदार वस्त्र को छीन लिया है, उदार वस्त्र को निकाल दिया है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, उदार के वस्त्र को प्रभु क्या करता है? आपको देता है। हालेलुया। आइए इसी तरह क्या है, वहां पर उनको उदार के वस्त्र नहीं है और आगे पढ़ेगा, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, इसलिए प्रभु बोलता है मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि तू आग से ताया हुआ सोना, आग से ताया हुआ सोना सोना मुझसे मोल ले, मुझसे मेल ले। कितना चाहते हैं? प्रभु बोलता है मैं आग से ताया हुआ सोना मैं देंगे। आमीन। प्रभु बोला कि नहीं? तुम बोलते मेरे पास बहुत सोना है, बहुत पैसा है, बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत घर द्वार है, लेकिन प्रभु बोला है वो पूरा बेकार है, तो कंगाल है, तो तुच्छ है, तो अंधा है, तो अपाका है, लेकिन मुझसे मांग मैं तुम्हें सोना दूंगा। जोरदार थाली बजा के हालेलुया। ये सोना क्या है? आत्मिक जिंदगी। प्रभु ये इसी तरह की सोना देना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या करता है? संसार का थोड़ा थोड़ा सोना हर जगह में पहनकर गला में पूरा टांग कर घूमता है, उसे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। प्रभु पूछता है उससे क्या है? तुम मुझे मांग आग से ताया हुआ सोना मैं देते हैं। आज क्या करना है? इसी तरह सोना प्रभु से मांगना। प्रभु आपके लिए कुछ सोना देने के लिए रखा है। हालेलुया। कुछ सोना प्रभु आपके लिए देने के लिए रखता है, इसलिए क्या करना है? अब प्रभु से मांगना है। गोल्ड ऑर्नामेंट का देखा है, क्या क्या देखा है? प्रभु को उपवास करके प्रभु को उपस्थिति से बैठ से क्या करना है? हमारा चेहरा को प्रभु का सोना से चमकाना, जैसा मूसा, स्तेफनोस और दानियेल, ये लोग प्रभु का चेहरा कैसा चमकाया है प्रभु को उपस्थिति में बैठकर। ये एक किस्म का गोल्डन ऑर्नामेंट है। उसके बाद क्या है? प्रभु का वचन का ज्ञान, वचन का बुद्धि, वचन का गहराई। बहुत लोग बाइबल पढ़ने का समय नहीं लेता। बाइबल पढ़िए कम से कम नए में बार बार पढ़िए। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है आप डाउनलोड कीजिए ऑडियो बाइबल, आप कान में लगा कर सुनते रहिए। खाना बना, खाना कब पका रहे हैं, सब्जी काट रहा है, कपड़ा धो रहा है, बर्तन धो रहा है, कान में लगा कर वजन सुनते रहिए, लगातार सुनते रहिए। आप ये नहीं बोल सकते मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता प्रभु, इसलिए वजन का
चमक के बारे में नहीं बोल रहा हूं, प्रभु के सामने आपके क्या कर देता है, चमका देता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या है, प्रभु का भय मानना एक प्रभु का चमक है, और अपना माँ बाप का आज्ञाकारी बनकर रहना एक किस्म का क्या है, स्वर्ण का ऑर्नामेंट है। और उपद्रव हुए वो क्या है, आपका उदार के वस्त्र में क्या है, स्वर्ण का एम्ब्रॉयडरी है। महल में रानी बनकर प्रभु यीशु के बगल में जाकर बैठ सकता है। अगला है विश्वास, पहला पत्रोस 1:7 में विश्वास का एक भड़कावा विश्वास का सोना प्रभु आपको देना चाहता है। अगला सोना क्या है, उदार और पाप का क्षमा का सोना प्रभु देना चाहते हैं। अगला सोना क्या है, आत्मिक जिंदगी का, आत्मिक जिंदगी का ऐश्वर्यदायक रिचनेस प्रभु बोला है। ताया हुआ सोना मुझसे मांग, कितना प्रभु से मांगना चाहते हैं, ये पूरा सोना मुझे चाहिए, सिर से लेकर पैर तक मेरे को सोना चाहिए। हालेलुया, कितना प्रभु से मांगना चाहते हैं, आत्मदाय कितना प्रभु से मांगना, पूरे मुझे बहुत सोना चाहिए। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे, प्रभु से मांगिए आत्मिक वरदान, और भी बहुत कुछ, टाइम ज़्यादा हो गया है। आत्मिक वरदान, आत्मिक सामर्थ, नौ प्रकार के फल, नौ प्रकार के वरदान, एक अभिषेक से भरपूरी, ये पूरा क्या है, एक एक किस्म का क्या है, वरदान है। ये सारे वरदान एक अलंकार, हमें क्या करना है, अलंकार करना है। हालेलुया, क्या करना है, अलंकार। आप जीतने वाला एक एक आत्मा आपको सोना बनकर मिल जाएगा, गीरा बनकर मिल जाएगा, मोती बनकर मिल जाएगा। एक एक आत्मा को जो आप प्रभु में लाता है, आत्मा क्या है, सोना। ये सारी सोना आपके साथ अनंत काल के जीवन में आएगा, बाकी संसार की सोना दुनिया में नहीं आएगा। तो आप आपको कहते हैं मैं धनवान हूँ, मैं धनी हो गया हूँ, लेकिन प्रभु बोल रहा है तू तुच्छ है, तू अभागा है, तू नंगा है, दुलीन गोल्डन एम्ब्रॉयडिंग वस्त्र पहनकर मकिमा में सुबेमान होकर प्रभु के पास खड़ा हो जाता है। लेकिन संसार में जो पैसा वाला लोग नंगा बनकर इंद्री हो जाएगा। आज हमारे जीवन को क्या करना, प्रभु देने वाला उसी सोना से हम क्या करना है, दिन बा दिन प्रभु का छाया में बदलना। किसके छाया में, एक दिन दुल्हन को, दूल्हा को देखेंगे हम उसके छाया में। एक वचन पढ़कर हम खराब करना चाहते हैं, दूसरा कुरिंदी 3:18, दूसरा कुरिंदी उसका 3:18, जैसे आप प्रभु का छाया को मिरर में देख के देख के देख के देख के एक दिन प्रभु का जैसा ही हम बदल जाएंगे। पढ़िएगा, परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से, जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, प्रभु का प्रताप, प्रताप प्रभु का महिमा इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, जैसे हम दर्पण में प्रभु को देख रहे हैं, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जाते कितना लोग समझ में आया, हम क्या करना है, अभी प्रभु यीशु मसीह का आमने सामने हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो पौल लिख रहा है अभी हम क्या है, जैसा दर्पण में, ये वचन क्या है, एक किस्म का दर्पण है। ये वचन को क्या करता, हमारा गंदगी को, कमी घड़ी को, सबको क्या करते, हमें दिखाता है। ये वचन रूपी दर्पण से हम यीशु को अभी इनडायरेक्ट देखते 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 पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या करते हैं, अंश अंश में, अंश अंश में रूपांतर होकर एक दिन एक परिपूर्ण महिमा के साथ उनके सामने खड़ा हो जाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं, आइए अपना जगह पर हम लोग खुट्टा टेकेंगे, आज हम लोग हैं, और इसी तरह सात हाथ की ऑर्नामेंट से हम भरपूरी होना है। कितना लोग चाहते हैं, प्रभु से बोलना चाहते हैं, प्रभु ये संसार का अलंकार मुझे नहीं चाहिए, संसार का ब्यूटी पार्लर मुझे नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक ब्यूटी पार्लर में लेकर जा, मुझे चमका दे। जैसा मूसा का चेहरा चमका है, जैसा है दानियल का चेहरा चमका है, जैसा है स्टेफनस का चेहरा चमका है, वैसा ही मेरा आत्मिक मुँह चमकना है, मेरा यीशु के सामने चमकना है। प्रभु आपका दुल्हन बना के मुझे रूपांतर कर, अंश अंश में रूपांतर होने में, महिमा के ऊपर महिमा भाके, ओ धीरे धीरे मसीह का छाया में रूपांतर होने में मदद कर। आपने कहा है, ओ मुझसे मांग, मैं आंख में ताया हुआ सोना मैं तुमको दूँ।
दूंगा। उसी तरह प्रभु मुझे सोना चाहिए, सोना के अलंकार चाहिए, आत्मिक अलंकार चाहिए, आत्मिक वरदान चाहिए, आत्मा के फल चाहिए, आत्मा के सुंदरता से मुझे शोभायमान है। एक दिन आपके सामने वो खड़ा होने के लिए लायक बना। आज मेरे जीवन को रूपांतर कर। आज कितना लोग मांगना चाहते हैं, अपना जीवन को मुख होकर मांगे, थोड़ा दे और थोड़ा दे, प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगे और थोड़ा दे, प्रभु से मांगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा की वरदान से मांगे। हम ऐसा एक है वो साधारण विश्वासी बनना नहीं चाहते प्रभु, मैं दुली बनना चाहते, मैं दुलीहीन बनना चाहते। मुझे रूपांतर कर, आत्मा के अलंकार से मुझे भरपूरी कर, आत्मा के वरदान से मुझे भरपूरी कर, आत्मा के फल से मुझे भरपूरी कर। विश्वास का सोना से और परीक्षा का सोना से, हाथ उधार की सोना से और पाप की क्षमा के सोना से, ओ वचन के ज्ञान की सोना से मुझे सिर से लेकर पैर तक मुझे अलंकार है। मेरा उधार के वस्त्र में वो सोना का एम्ब्रॉयडरी चाहिए, कितना भी वस्त्र में ओ प्रभु यीशु मसीह का नाम की निमित्त ओ कितना भी नित्य अभिमान है ओ सभी करे। एक दिन उसी उधार के वस्त्र पहन कर ओ महल में ओ प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके साथ ओ महिमा में खड़ा होने में प्रभु मदद कर।